लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यहां दो केंद्रीय मंत्रियों का उनके संसदीय क्षेत्र में विरोध हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी का नाम शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दोनों ही नेताओं की कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इसलिए नए प्रत्याशी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक्शन ना लिया गया तो बीजेपी को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में राजस्थान से तीन मंत्री हैं, जिन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का टिकट फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है, क्योंकि उनके मुकाबले बीकानेर में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अब बात करते हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की। कैलाश चौधरी 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जब लोकसभा का टिकट मिला तो जीत हासिल की। केंद्र में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप उन पर लगते रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में कैलाश चौधरी का फीडबैक नकारात्मक मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पार्टी कैलाश चौधरी का टिकट काट सकती है। अब बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें जोधपुर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाए। सियासी जानकारों का कहना है कि शेखावत को आरएसएस का समर्थन प्राप्त है, इसलिए शायद टिकट ना काटा जाए, लेकिन जोधपुर में शेखावत के खिलाफ लगे पोस्टरों से बीजेपी आलाकमान चिंतित हो सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने लगातार दो बार लोकसभा की 25 में से 25 सीटें जीती हैं। इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के प्रति क्षेत्र में पनप रही नाराजगी भारी पड़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार एक दर्जन सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।